तो आइए जानते हैं जो कोको चिप्स होती हैं इनको हम कैसे यूज़ करें जब ये हमारे पास पैक्ड होके डिलीवर होती हैं। सबसे पहले अब कोको चिप्स जो है बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में आती है, बिल्कुल ही ड्राई होती है, तो आपको उसको ऐसे पॉलीथिन में से बाहर निकाल लेना है और धीरे धीरे करके उसको अपने हाथों से पूरा तोड़ के अलग कर लेना है। जब आप इनको हाथों से तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है और बहुत ही कंप्रेस्ड होती हैं, बहुत ही लाइट वेट होती है। अपने हाथों से बिल्कुल इसको अलग अलग कर लीजिए जिससे ये चिपके ना। अब एक गहरे बर्तन में इसको निकाल लीजिए, जैसे कि बाल्टी हो या कोई गहरी ट्रे हो, जिससे हम इसमें जब पानी डालें तो पानी अच्छे से सारे में जा सके और ये पानी एब्जॉर्ब कर सके। कोको चिप्स जब पानी एब्जॉर्ब करती है तो वो अपने वेट से लगभग 3 गुना हो जाती है। जैसे अगर आपके पास 1 किलो की अगर कोको चिप की ब्रिक आई है तो वो जब पानी एब्जॉर्ब करने लगेगी, वो एब्जॉर्ब करने के बाद टोटल 3 किलो की हो जाएगी। तो इसलिए आप अच्छे से इसमें पानी डालिए और अगर थोड़ा पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब उसको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए आप उसको छोड़ दीजिए जिससे वो अपना पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और आपको मिलेगी एक बिल्कुल ड्राई रेडी टू यूज़ कोको चिप्स, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है प्लांट्स के लिए और रूट ग्रोथ के लिए। आप इसको डायरेक्ट अपनी मिट्टी में पॉटिंग सॉइल में मिला सकते हैं, अच्छे से मिक्स कीजिए और आपकी सॉइल में ड्रेनेज प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, आपकी वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी।